तुम यही रहो हमारे साथ, अब हम तुमको कभी नहीं डांटेंगे। तरेगनी का बहुत बुरा किया, तरेगनी का भला करना चाहते हैं। हाँ तो बताओ क्या करना है। तरेगनी की मौसा से दोस्ती करना है। पता नहीं हम सही कर रहे हैं या गलत। क्या ठीक नहीं है? सुशील सिंह ने आपके साथ जो किया वो क्या ठीक था? हमें जाने दो। तुम्हारे ऊपर सुशील सिंह का मुहर लग चुका है। तुम हमारी इज्जत के साथ जो चाहे कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे गुरूर को नहीं तोड़ सकते। टूटेगा, तुम्हारा गुरूर टूटेगा। जानती हो कैसे टूटेगा? जब हम तुम्हें इस घर से बाहर निकालेंगे और पूरा गांव थूकेगा तुम पे। सारा गांव जानता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं और हम ही तुम्हारे लायक हैं। इस समाज में नालायक तो तुम ही बनोगे। तुम्हारे हिस्से तो हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे, मौत भी नहीं। बदनाम तो तू होगी। जिंदा रह के बदनाम हुई थी ना, अब मर के बदनाम होगी। बहुत शौक है मरने का। हाँ चल चल, दिखा। हम भी देखना चाहते हैं जिंदा मौत। चलो 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 चल। नहीं चलो, नहीं चलो, नहीं नहीं। याद है, सब याद है, भूल नहीं सकते हम उसे। तरेगनी जिंदा है और सुशील सिंह से वही बदला ले सकती है, इसलिए तरेगनी को उसकी दुनिया में वापस आना ही होगा। हाँ दीदी, आप हिम्मत मत हारिए, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। हाँ दीदी, और तरेगनी दीदी को हमारे लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने ही तो सुशील सिंह के खिलाफ धर्मयुद्ध का ऐलान किया था ना। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो। अंदर चलो, नैप के साथ बैठो, ब्रेक फास्ट करो। अरे वैसे भी ना आज तरेगनी ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनाई है। हाँ तुम जाओ, हम कोई भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? हाँ अरे हम सुशील सिंह को बोले थे कि दो चार को आदमी को भड़का के माहौल खराब करने के लिए, वो तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे ना तो जिंदगी भर बैठे ही रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे ये तो तरेगनी का चाचा लगता है। अच्छा? हाँ जरूर कोनो जबरदस्त प्लान बना के आ रहा होगा। हाँ देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जरा होश में बात करिएगा, कहीं जोश में होश मत खो देना। अरे वो हमारा रिश्तेदार है, हम भी जानते हैं। अरे बहुत बड़ा नीच है। अरे नीच है लेकिन आप ही नहीं जानते, बहुत बड़ा भटपनिया है, ढोंगी इंसान है वो। अरे हाँ सगरो, तुम भीतर जाओ, लोग हम संभालो। हाँ ठीक है सजन बा, संभालो ये लोग को। ऑल द बेस्ट। ठीक है ठीक है, तुम जाओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आप तो मैं जानते होंगे। हाँ आप भी तो हमको जानते होंगे ना। हाँ तभी तो आए हैं। कुछ काम था क्या? अरे
बहुत जरूरी काम है। हाँ तो बैठ के बात करते हैं ना। हम आपका बहुत फायदा कराने आए हैं, पर ये बात यहाँ कहीं और चल के करेंगे। ऐसा है, आप यहाँ से चलिए। लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ज्यादा दूर हम ले भी नहीं जाएंगे, बस तालाब किनारे तक चलिए, वहीं आराम से ठंडे में बात करेंगे बैठ के। चलिए। हाँ तो चलिए। हाँ चलिए। हाँ फिर तालाब के किनारे ना बहुत मजा आता है। अच्छा अकेले ही सारा काम कर रही हो? ला, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। आप यहाँ? हाँ, हमने सोचा खाली बैठे बैठे दिमाग में कहीं शैतान का वास ना हो जाए, इसलिए थोड़ा काम ही कर ले। हाँ हम सब काम कर चुके हैं। अरे तो सिर्फ रसोई का ही काम थोड़े है, हम साफ सफाई कर देते हैं। बताओ झाड़ू कहाँ है? इसकी कोई जरूरत नहीं, हम सब काम कर लेंगे। आप जाइए यहाँ से। अरे तो क्या अब हम लोग इतने बेकार हो गए कि घर का कोई काम ही नहीं कर सकते? हमारी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते। बोलिए, मसाला बनाना है ना? हम बना देते। आपको पता है ना कि हम कितना अच्छा मसाला बनाते हैं? आप ही ने तो सिखाया था। दीदी, और हम जाकर सारे कमरे को सजा देते और सारे पर्दे को भी ना धुल देते। कहा ना तुम लोग से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कर लेंगे, और मौसी भी तो है। दीदी तो मौसी को आप कोई भी काम करने से मना कर दीजिए, हम सब काम कर लेंगे ना। कहा ना तुम लोग से कि कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, हम सब काम कर लेंगे। जाओ यहाँ से और हमको अपना काम करने दो। और अगर नहीं जाएं तो? सांस फुलाने का जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तुम अपना ध्यान रखो अच्छे से, हम लोग चले जाते हैं, उसमें क्या है। हाँ ठीक है, तुम शांत हो जाओ, हम जाते हैं।
तरेगनी, अगर तुम हमसे अपनी जिंदगी नहीं बांटोगी तो तुम्हें और बहुत कुछ बांटना पड़ेगा। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ तो बताइए, क्या सोचे हैं आप लोग हमारे लिए? बताइए बताइए। हाँ देखिए, आप तरेगनी के मां और हम चाचा, जितना सम्मान आपको घर मिल रहा है उतने सम्मान के हकदार तो हम भी हैं, है ना? और आप तो वहां जाके रहने भी लगे हैं, और डॉक्टर साहब भी तो आपको मानते होंगे ना माऊ साहब। अरे हाँ, बोली इज्जत है हमारा, सब बहुत सम्मान देते हैं हमको। तो इतना सम्मान अगर हमें मिल जाए तो बस हमारा काम बन जाए। ये काम हो जाएगा से का मतलब आपका? अरे नहीं, मतलब ये तो कत्ता रेगनी की जमीन जायदाद में आपको हिस्सा नहीं चाहिएगा? हाँ वो तो चाहिए। चाहिए ना? हाँ हाँ। देखिए, ये काम हम सुशील सिंह के साथ मिलकर नहीं करेंगे। अरे बहुत ही बेईमान आदमी है वो, जो एयरपोर्ट के पास वाली जमीन है ना, उसको इधर उधर किया था ना, इतना ढेला नहीं दिया था। हाँ अरे वो जो बोलता है वो करता कहाँ है? अरे ये तो सबसे बेईमान आदमी का निशान है ना। सही बात है। और देखो, लेकिन तरेगनी के साथ बेईमानी सब कुछ नहीं है। जितनी ईमानदार मन से आप ये खेल रच रहे हैं ना, उतनी ही ईमानदारी से हम रच रहे हैं। देखिए भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि इस सील सिंह जैसे बेईमान आदमी छुटकारा पाना है तो आप लोग आपस में हाथ मिला लीजिए, अब कोनो प्लान करके इसको जेल में डालिए, डालिए जेल इसको, नहीं तो दामाद बन के घर में घुसाएगा और आप लोगों के सारे खेल का सत्यानाश। अरे वो कहा है ना, सुशील सिंह समाज के जंगल का जेर है, हम लोग भोगते रह जाएंगे, सब लोग मिल के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे काहे नहीं कर सकते? देखिए कहा है कि कलयुग है और कुछ भी हो सकता है कलयुग में, आप लोग पहले मिल जाओ, आइडिया हम देंगे सुशील सिंह को जेल कैसे भेजना है। अरे इतना क्या सोच रहे हैं? अरे जितनी जल्दी हाथ मिलाएंगे उतनी जल्दी शुभ टाइम शुरू होगा। चलो मिलाइए। ठीक है चलो मिला लेते। हाँ ये हुई ना बात, हम भी गवाही दिलवाए थे, जेल भेजेगा। अरे जेल तो तुमको हम भेजेंगे सुशील सिंह। ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।
हे सूर्य नारायण देवता, हे भोलेनाथ, आप हमरा सुन का ही नहीं रहे हैं। हम सोचे थे कि तरेगनी हमको 1,00,000 रुपया दे देगी, बाकी वो नहीं दी तो हम क्या करते? हम पैसा चुरा लिए, अब तो आज घर में बबंडर होगा, वो नव आएगा, तरेगनी से पैसा मांगेगा, वो बड़का बवाल होगा। हे हे सूर्य नारायण भगवान, हे भोलेनाथ, आज संभाल लीजिए आप लोग, अब हम तो अपना मुंह खोलेंगे ही नहीं कि पैसा हम चुराए हैं। बवाल मचा देगी। भाई, हमको उसे डर नहीं है। चलो, अपने पति बुलाओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। पति देव से क्या काम है आपको? पैसा लेके नहीं आया अभी तक। अरे, क्या कह रहे हैं आप? वो तो पैसा लेके आप ही के घर गए हैं। का? हाँ, सूर्य नारायण की कसम, हमरे सजन माँ, अरे भोरे भोरे आप ही के यहाँ गए हैं। कितना पैसा लगेगा? वो तो हमको नहीं मालूम, जो भी कुछ गाना गुड़िया बचा था वो सब बेच कुछ के लेके गए हैं। गहना बेच के? हम्म, झुमका तो तुम्हारे कहने में है।